नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस 2 का 8th चैप्टर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये इसका सेकंड वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल के बाकी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, साइंस 1, साइंस 2 के, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर की है, उस पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 91 तक कंप्लीट किया था, अभी आगे का देखते हैं। 92 पेज नंबर, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में बायोटेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ? Government of India had established the National Biotechnology Board in 1982. This board was transformed into Department of Biotechnology under the Ministry of Science and Technology. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत उसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया इन 1986. Various institutes in India are working under the control of this Department of Biotechnology. अलग अलग institutes भारत की इसके इस department के अंतर्गत काम करती है। It includes National Institute of Immunology, National Facility for Animal Tissue and Cell Culture, National Center for Cell Science, National Brain Research Center, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants. Aromatic Plants मतलब सुगंधी जो plants होते हैं, मतलब चंदन वगैरह वैसे। There are facilities of higher education and research in these institutes from where thousands of students have pursued PhD degrees and are contributing to the progress of country in the field of biotechnology. तो कई सारे विद्यार्थियों ने PhD की डिग्री प्राप्त की है इस इंस्टीट्यूट्स में से, और देश के विकास में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए, कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अभी व्यावसायिक उपयोग क्या है बायोटेक्नोलॉजी के वो देखेंगे। वन, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव यील्ड एंड वैरायटी। देखिए, खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी, किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। ए, हाइब्रिड सीड्स। जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स। देखिए, समझ लीजिए एक बासमती राइस है, उसमें अच्छा सुगंध वाला मतलब सुगंध आता है, और दूसरा बासमती राइस है वो बहुत ही सफेद कलर का है, बहुत अच्छा है अट्रैक्टिव दिखने में, और तीसरा बासमती राइस है वो बहुत लंबे लंबे दाने होते हैं उसके। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज एक ही क्रॉप में लाने के लिए हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं, उनका जेनेटिक हाइब्रिड मतलब ब्रीडिंग करवा के हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं, तो वो तीनों प्रॉपर्टीज एक ही प्लांट में आ जाती है। उसके बाद बी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्रॉप्स डेवलप्ड विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विद देयर जीनोम आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखिए, कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनमें उनके जीनोम में मतलब जेनेटिक मैप, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और उसकी मदद से हमें जो चाहिए वो कैरेक्टर हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उसमें। हाई यील्डिंग वैरायटीज विद रेजिस्टेंस टू डिसीजेस, अल्कलिनिटी, वीड्स, अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट। मतलब कम टेम्परेचर हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो, टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव हो, फिर भी वो क्रॉप सस्टेन कर सके, फिर सॉइल की अल्कलाइन सॉइल हो या एसिडिक सॉइल हो, फिर भी वो जिंदा रह सके, ठीक है, उसमें भी एडवर्स कंडीशंस में भी अच्छा उत्पादन दे सके, ऐसे क्रॉप्स बनाए जा सकते हैं। अभी देखिए इसका उदाहरण, बीटी कॉटन। अ जीन हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस थुरियनजेंसिस एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ कॉटन। एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम मतलब एक वचन है, बैक्टीरिया मतलब प्लूरल है, तो बैसिलस थुरियनजेंसिस नाम के बैक्टीरियम से एक जीन निकाली गई और वो जी कॉटन के जीन के साथ मैच मतलब उसमें इंटीग्रेट करवाई गई, उसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई। ड्यू टू दिस द टॉक्सिन विच इज फेटल फॉर बॉल वर्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स एंड बॉल्स ऑफ कॉटन। तो इसके कारण क्या हुआ, उसके पत्तों में और कॉटन बॉल में ऐसा एक जहरीला पदार्थ बनना शुरू हो गया, विषैला पदार्थ, जो
बॉलवर्म जो खा जाती है पूरे कॉटन को और उससे बहुत एडवर्स परिणाम होता है उत्पादन पर, वो उसको बॉलवर्म्स को खा जाती है, तो उसके कारण वो प्लांट बचा रहता है उनके बॉलवर्म्स से, ऐसा बनाया गया। इफ बॉलवर्म फीड्स ऑन लीव्स द टॉक्सिन डिस्ट्रॉयज इट्स एलिमेंट्री कैनल एंड द बॉलवर्म डाइज। अगर वो बॉलवर्म खाता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी डैमेज हो जाती है और वो बॉलवर्म मर जाता है। उसी तरीके से बीटी ब्रिंजल भी है। बीटी ब्रिंजल वैरायटी इज डेवलप्ड बाय यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरियनजेंसिस। दिस इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ ब्रिंजल किल्स द पेस्ट इन सेम वे एज द बीटी कॉटन डज। बीटी कॉटन की तरह बीटी ब्रिंजल भी इसी तरीके से बनते हैं। गोल्डन राइस अ जीन सिंथेसाइजिंग द विटामिन ए बीटा कैरोटीन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वैरायटी ऑफ राइस एज कंपेयर टू द नॉर्मल वैरायटी। दिस वैरायटी व्हिच हैज बीन डेवलप्ड इन 2005 कंटेंस 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन। देखिए, एक जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया राइस के क्रॉप में, उसके कारण विटामिन ए जिसको बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया उस राइस में। कितने? 23 टाइम्स ज्यादा विटामिन ए होता है नॉर्मल राइस के मुकाबले में। तो ये 2005 में विकसित किया गया है गोल्डन राइस। अच्छा, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप। इफ हर्बिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इट अफेक्ट्स द मेन क्रॉप टू। देखिए, जब हम बड़ी मेहनत से क्रॉप लगाते हैं और उसके लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह देते हैं उसको जमीन में, तो क्या होता है, वो फर्टिलाइजर्स की मदद से दूसरे जंगली पेड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और वो सारे फर्टिलाइजर्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसके कारण जो मेन क्रॉप है जिससे हमें उत्पादन लेना है उसके लिए ही कुछ नहीं रहता न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और प्रोडक्शन पर एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इसके कारण हर्बिसाइड्स यूज किए जाते हैं, मतलब वीड्स को मारने के लिए, लेकिन उसका दुष्परिणाम मेन क्रॉप पर भी होता है कुछ परसेंट में। तो इसके लिए कुछ ऐसे, मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स बनवाए जाते हैं, मतलब ऐसे क्रॉप्स बनवाए जाते हैं जिनके ऊपर हर्बिसाइड मतलब वीडिसाइड जो होते हैं वीड्स को मारने के लिए, जो पेस्टिसाइड्स जैसा होता है केमिकल्स यूज किए जाते हैं, उनका परिणाम क्रॉप के ऊपर नहीं होगा, ऐसे क्रॉप्स बनवाए जाते हैं। ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स varieties of crops are being developed. Due to this, it has become possible to selectively destroy the weeds. इसके कारण सिर्फ केवल और केवल weeds को ही नष्ट करना possible हो चुका है, संभव हो चुका है। अच्छा, biofertilizers. Due to use of biofertilizers instead of chemical fertilizers, nitrogen fixation and phosphate solubilization abilities of plants are improved. देखिए, अगर biofertilizers यूज किए, मतलब कुछ बैक्टीरिया या कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नोस्टॉक, एनाबिना, एजोलाइट एक्सेट्रा, तो ये जो होते हैं इनके कारण केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण क्या होता है, कई बार सॉइल की फर्टिलिटी पर एडवर्स परिणाम होता है, तो वो नहीं होता बायोफर्टिलाइजर्स से। और उसके कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन और फॉस्फेट का सोल्युबलाइजेशन एबिलिटी प्लांट्स की जो होती है वो बढ़ती है, जो कि बहुत अच्छा होता है। मेनली द बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, नोस्टॉक, एनाबिना एंड प्लांट्स लाइक अजोला आर यूज एज बायोफर्टिलाइजर। देखिए, अजोला का पिक्चर है यहाँ पर। इन द लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द टिश्यू कल्चर। Genetic improvement of plants has become possible due to tissue culture and besides those characters inherited to next generation. तो इसके अलावा वो मतलब जो टिश्यू कल्चर से प्राप्त किए जाते हैं तो वो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि हाइब्रिड सीड्स जो बनवाए जाते हैं उसकी जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ उस जनरेशन तक ही रहते हैं, अगले जनरेशन में वो सारी प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाती है कैरेक्टर्स। लेकिन टिश्यू कल्चर से वगैरह प्राप्त किए हुए या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट से प्राप्त किए प्लांट जो होते हैं उनकी जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी बरकरार रहते हैं। अच्छा, फिर एनिमल हस्बेंड्री, उसका क्या, उसमें क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी का। टू मेन मेथड्स एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर आर यूज इन एनिमल हस्बेंड्री। दो मेथड्स यूज किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब भैंस के या गाय के यूटरस में सीमेन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बैल का,
सीमेन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उसके कारण सीमेन में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एक के साथ, भैंस के या गाय के एक के साथ, ओवम के साथ यूनाइट होकर एम्ब्रियो नया बनता है और नया बच्चा पैदा होता है। या फिर दूसरा होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब इन विट्रो ट्रांस फर्टिलाइजेशन जैसा, टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा, मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन करवाया जाता है और जायगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो यूटेरस में ट्रांसफर करवाने के बाद उसको बढ़ाकर, मतलब उसकी ग्रोथ करवाकर बच्चा पैदा करवाया जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल मिल्क, मीट, वूल एट्सेट्रा। तो इसके कारण ज़्यादा मिल्क देने वाले गाय बनाई जा सकती है, ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करने वाले गोट्स बनाए जा सकते हैं, ज़्यादा वूल प्रोड्यूस करने वाले शिप बनाए जा सकते हैं। सिमिलरली एनिमल्स विद मोर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप्ड फॉर हार्ड वर्क, तो खेती में हल चलाने के लिए वगैरह बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले एनिमल्स भी बनवाए जा सकते हैं। फिर ह्यूमन हेल्थ में क्या यूज है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। देखिए, मनुष्यों के आरोग्य के बारे में दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्नोसिस मतलब कोई भी बीमारी है उसका निदान करना, वो पता चलना पहले कि किसको क्या बीमारी है, उसके बाद पता चलने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन इफ एनी इन डिसीज ऑफ अ पर्सन, तो अगर किसी जीन के कारण किसी जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी व्यक्ति में तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वो तुरंत पता करवाया जा सकता है। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिसीजेस हैज बिकम पॉसिबल इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डायबिटीज जैसे, हार्ट डिसीजेस जैसे डिसीजेस का डायग्नोसिस करना बहुत ही जल्दी पॉसिबल हो चुका है उनके सिम्टम्स के दिखने से पहले ही। डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस लाइक एड्स, डेंगू कैन बी डन विद इन फ्यू मिनट्स, तो एड्स और डेंगू जैसे बीमारियों का डायग्नोसिस कुछ मिनटों में करवाया जा सकता है। हेंस ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट, सो जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू करवाई जा सकती है। वेरियस मेडिसिन आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, एग्जाम्पल द हार्मोन इंसुलिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज में हार्मोन इंसुलिन का इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो उसके कारण डायबिटीज की समस्या आती है। तो इंसुलिन जो है, अर्लियर इंसुलिन वॉज बींग कलेक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों के पैनक्रियाज में से इंसुलिन कलेक्ट करवा के वो उसका इंजेक्शन इंसानों में दिया जाता था, उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हुआ करते थे। लेकिन अभी हाउएवर नाउअडेज ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, आज के दिनों में इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया की मदद से बनवाया जा सकता है। फॉर दिस पर्पज ह्यूमन इंसुलिन जीन हैज बीन इंसर्टेड इन द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, तो मनुष्यों में जो इंसुलिन बनाने वाली जीन होती है वही जीन बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, फिर उसके बाद वो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगते हैं। वेरियस वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे, इसी पद्धति से कई सारे वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स भी बनवाए जाते हैं। ए वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू एक्वायर आइदर परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन और डिसीज, किसी बैक्टीरिया किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या किसी बीमारी के अगेंस्ट जो एंटीजन दिया जाता है उसे बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, परमानेंट या टेम्पररी इम्यूनिटी निर्माण करता है वो शरीर में। ट्रेडिशनली वैक्सीन्स वेयर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजन्स, तो ट्रेडिशनली जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज कॉजिंग होते हैं उन्हीं की मदद से वैक्सीन बनवाया जाता था। कंप्लीटली और पार्शियली किल पैथोजन्स वेयर यूज्ड एज वैक्सीन्स, तो पूरी तरीके से मारे हुए या आधे मरे हुए पैथोजन्स जो थे वो वैक्सीन्स के तौर पर यूज किए जाते थे। हाउएवर ड्यू टू दिस देयर वेयर चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिसीज इन केस ऑफ सम पर्सन, लेकिन इसके कारण कुछ व्यक्तियों में वही डिसीज होने की संभावना होती थी। हेंस एज एन अल्टरनेटिव साइंटिस्ट ट्राइड टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस वैक्सीन्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके वैक्सीन्स बनवाना शुरू कर दिया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ने। फॉर दिस पर्पज साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन लैबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन एंड यूज इट एज अ वैक्सीन, तो एंटीजन जो है वो सेपरेट किया गया लैबोरेटरी में और उसका जीन जो है वो
आइसोलेट करके दूसरे इसमें इंट्रोड्यूस करवा के वो बनवाया गया। दस सेफर वैक्सीन आर बींग प्रोड्यूस, इसके कारण प्योर और सेफर वैक्सीन बनवाए गए। नाउ प्रोटीन्स विच एक्ट एज एंटीजन आर इंजेक्टेड इन प्योर फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग द किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजेंस। तो पहले जो वैक्सीन हुआ करते थे उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में पैथोजेंस हुआ करते थे, तो उसमें कभी कभी कुछ व्यक्तियों के लिए मतलब वही बीमारी कैच करने का धोखा भी रहता था, लेकिन अभी वो सिर्फ प्योर प्रोटीन्स ही इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं, इसके कारण कोई इसमें धोखा नहीं होता। दीज प्रोटीन्स कीप द पर्सन अवे फ्रॉम द डिसीजेस बाय कीपिंग द इम्यून सिस्टम एक्टिव, दस इंजेक्टिंग द एंटीजन इज सेफेस्ट वे इन वैक्सीनेशन। वैक्सीन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर मोर थर्मोस्टेबल एंड रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो जो वैक्सीन है, देखिए पोलियो वगैरह जैसे वैक्सीन होते हैं तो उन्हें बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, वो मतलब उन्हें रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, फ्रिज में रखना पड़ता है, तो अगर और वो उनकी लाइफ भी काफ़ी कम होती है। तो इसके कारण अभी जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो बनाए गए वैक्सीन है वो ज़्यादा थर्मोस्टेबल है, मतलब टेम्परेचर वैरी भी करता है फिर भी वो काम करना बंद नहीं करते, वो काम करते हैं और लंबे समय तक वो अच्छे रहते हैं। एग्जाम्पल वैक्सीन ऑफ पोलियो, हेपेटाइटिस। एडिबल वैक्सीन, खाने योग्य वैक्सीन, टीकाएं। वर्क ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन इज इन प्रोग्रेस एंड प्रेजेंटली पोटैटोज आर बीइंग प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एडिबल वैक्सीन पर भी काम बहुत शुरू है और पोटैटोज पर काम चल रहा है। दीज पोटैटोज आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक पोटैटोज, उन पोटैटोज को ट्रांसजेनिक पोटैटोज कहते हैं। दीज पोटैटोज विल एक्ट अगेंस्ट बैक्टेरिया लाइक विब्रियो कॉलरे, इस्चेरिया कोलाय। कंजम्पशन ऑफ दीज रॉ पोटैटोज जनरेट्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉलरा एंड डिसीज कॉज बाय ई कोलाय। व्हाट विल हैपन इफ दीज पोटैटोज आर कुक्ड फॉर कंजम्पशन। देखिए अगर ये पोटैटोज रॉ खाए गए, कच्चे खाए गए, तो उसके ई कोलाय और विब्रियो कॉलरे के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है बॉडी में, लेकिन अगर उसको कुक करके खाएंगे तो वो कुछ फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। देखिए इंजेक्ट वायरस इन द प्लांट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, जो डिसीज कॉजिंग पैथोजन है उससे वो डिजायर्ड जीन निकाल के ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस में इंट्रोड्यूस करवाए गए। फिर वायरस इन्फेक्ट्स द पीसेस ऑफ पोटैटो लीव्स, फिर वो वायरस डेवलप होने लगता है। एंटायर प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द लीव पीसेस कंटेनिंग जीन्स ऑफ ह्यूमन पैथोजन, तो उसमें जीन्स वाला पूरा प्लांट बन जाता है। तो उसके जो पोटैटोज लगते हैं उसको, कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटोज हेल्प्स टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पैथोजन। तो उसमें यही पैथोजन के अगेंस्ट जो प्रोटीन होता है वो डेवलप होता है, तो अगर कच्चे पोटैटोज खाएंगे तो उससे इम्यूनिटी डेवलप होती है उस पैथोजन के अगेंस्ट, लेकिन वो अगर पकाए गए, कुक करने के बाद खाए गए तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा, बी ट्रीटमेंट, बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, सोमेटोट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन, सोमेटोट्रोपिन जैसे हॉर्मोन्स भी बनवाए जा सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब जब जख्म होती है, कोई घाव होता है, तब खून बहने लगता है, थोड़ी देर बाद खून का बहना रुक जाता है, किसके कारण, वो प्लेटलेट्स के कारण और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, ब्लड को मतलब रोक देने वाले, तो वो फैक्टर्स कुछ व्यक्तियों में नहीं होते, उसके कारण उनका खून बहना जल्दी रुकता नहीं है, तो इसके कारण उन व्यक्तियों को ट्रीट करने में भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद होती है। अच्छा, इंटरफेरॉन, दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीजेस, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन ब्लड। तो ये छोटे साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वायरल डिसीजेस में, उनको क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये ब्लड में प्रोड्यूस किए जाते हैं। हाउ एवर नाउ अडेज विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक ई कोलाय आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। तो ट्रांसजेनिक मतलब जीन इंट्रोड्यूस करवा के ई कोलाय में उनकी मदद से वो इंटरफेरॉन बनवाया जाता है। अच्छा, जीन थेरेपी टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन सोमेटिक सेल्स हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया,
PKT arises due to genetic changes in hepatocytes, that is liver cells. It has become possible to treat it with gene therapy. देखिए somatic cells मतलब diploid cells जो होते हैं, आपको पता है जो haploid cells होते हैं वो germ cells होते हैं, मतलब gametes होते हैं वो, male gamete, female gamete वगैरह. लेकिन somatic cells मतलब diploid cells होते हैं, normal body cells. तो उनमें जो disorders निर्माण होती है, genetic disorder जो निर्माण होती है उनको cure करवाया जाता है जीन थेरेपी की मदद से. तो इट हैज बिकम पॉसिबल टू ट्रीट इट विद जीन थेरेपी. दिस मेथड इज कॉल्ड सोमेटिक सेल जीन थेरेपी. ऑल द सेल्स केप्ट एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड ओवा इन द बॉडी आर कॉल्ड सोमेटिक सेल्स. स्पर्म या ओवा, ओवा का मतलब ओवम का प्लूरल है ओवा. तो बॉडी में जो स्पर्म और ओवम होते हैं उसके अलावा जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं सोमेटिक सेल्स. अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज डेवलप्ड ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टोबैको. तंबाकू की एक ट्रांसजेनिक वैरायटी बनवाई गई है. इफ कैटल्स फीड अपॉन लीव्स ऑफ दिस प्लांट दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ वायरल डिसीज रिंडरपेस्ट. रिंडरपेस्ट अगर वो कैटल खाते हैं उस तंबाकू के पत्तों को तो उनको रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी नहीं होती. अच्छा, क्लोनिंग. Production of replica of any cell or organ or entire organism is called cloning. किसी organism की cell बनवाना या कोई organ बनवाना या पूरा organism वैसे ही genome का, वैसे ही genetic map का बनवाना, genetic structure का, उसे बोलते हैं cloning. One, reproductive cloning. A clone can be produced by fusion of nucleus of somatic cell with the enucleated ovum of anybody. क्लोन कैसे बनवाया जा सकता है? तो एक सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस लेकर वो न्यूक्लियस ई न्यूक्लिएटेड ओवम, मतलब ऐसा ओवम, ऐसा एग जिसमें से न्यूक्लियस निकाला गया है, ई न्यूक्लिएटेड ओवम. तो बिना न्यूक्लियस वाले ओवम में सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस डालने से रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग करवाई जा सकती है. दस देर इज नो नीड ऑफ स्पर्म टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म. तो उसमें स्पर्म की जरूरत नहीं होती. देखिए अगर ओवम होगा उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो हैप्लॉइड होगा, मतलब एन, और उससे जब स्पर्म यूनाइट होगा ये स्पर्म एन होगा, हैप्लॉइड स्पर्म. तो एन और एन इज इक्वल टू डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, 2n बनेगा. लेकिन ओवम में से हमने न्यूक्लियस निकाल दिया है और उसमें सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस डाल रहे हैं हम, सोमेटिक सेल मतलब डिप्लॉयड होगी वो, तो 2n का एक साथ ही डाल रहे हैं तो उससे वो पूरा 2n वाला ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. ठीक है, उसे बोलते हैं क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग. अच्छा, दूसरा है थेरेपेटिक क्लोनिंग. स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव फ्रॉम सेल फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी बाय द यूनियन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियस विद द इन्यूक्लिएटेड एग सेल. वेरियस डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेम सेल्स. तो इन तो एग सेल में मतलब न्यूक्लिएटेड एग सेल में सोमेटिक सेल डालने के बाद स्टेम सेल्स, उसका डिविजन होता है, एम्ब्रियो बनता है वगैरह, उसके बाद स्टेम सेल्स बनते हैं उसमें. तो उस स्टेम सेल्स की मदद से कई सारे डिसीजेस क्योर करवाए जाते हैं. सिमिलर टू सेल्स, जीन्स कैन ऑल्सो बी क्लोन एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ सेम जीन कैन बी प्रोड्यूस. तो जीन्स को भी कॉपी किया जा सकता है, क्लोन किया जा सकता है और मिलियंस ऑफ कॉपीज बनवाई जाती है, जा सकती है एक ही जीन की. दीज कैन बी यूज फॉर जीन थेरेपी एंड अदर पर्पजेस. इनकी मदद से जीन थेरेपी की जा सकती है. कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडेटरी डिसीजेस, कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन एनहांसिंग द स्पेसिफिक टेंडेंसी मे बिकम पॉसिबल ड्यू टू क्लोनिंग टेक्निक. तो जो हेरिडेटरी डिसीजेस है उनको अगली जनरेशन में जाने से रोका जा सकता है जीन थेरेपी की मदद से या क्लोनिंग की टेक्निक से. तो कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशंस, किसी एक अच्छी क्वालिटी को एनहांस करना वो क्लोनिंग टेक्निक से पॉसिबल है. हाउ एवर देर इज वर्ल्ड वाइड अपोजिशन टू ह्यूमन क्लोनिंग ऑन वेरियस इश्यूज. लेकिन इंसानी क्लोनिंग के लिए, मनुष्यों की क्लोनिंग करने के लिए मतलब जागतिक मंच पर जो है, वैश्विक मंच पर विरोध है. अच्छा, सी द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी एंड द नेम्स ऑफ डिसीजेस दे आर अगेंस्ट. देखिए ये प्रोटीन्स है और उनसे कौन सा डिसीज क्योर होता है वो देखिए. इंसुलिन की मदद से डायबिटीज क्योर होता है.
सोमेटोस्टैटिन की मदद से ड्वार्फिज्म मतलब ग्रोथ हार्मोन का कम होना, ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसको क्योर करने के लिए सोमेटोस्टैटिन। फिर उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन एनीमिया को रोकने के लिए, हीमोग्लोबिन की कमी को रोकने के लिए। फिर है फैक्टर 8, वो है हीमोफीलिया को रोकने के लिए, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती कुछ लोगों में, उसको रोकने के लिए। अच्छा, इंटरल्यूकिन कैंसर को रोकने के लिए, इंटरफेरॉन किसी वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। आगे फोर्थ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वाइड बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कैसे बनवाए जा सकते हैं। वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू लेस एक्सपेंसिव प्रोसेसेस, कई सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनवाए जा सकते हैं कम खर्चे में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। एग्जाम्पल, अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर मोलासेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक यीस्ट, ट्रांसजेनिक यीस्ट की मदद से अल्कोहल बनवाया जा सकता है शुगर मोलासेस से, ठीक है। अच्छा, पीकिंग इनटू हिस्ट्री, अ शिप डॉली वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड बाय क्लोनिंग टेक्निक ऑन 5 जुलाई 1996, 5 जुलाई 1996 को डॉली नाम की एक शिप क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी टेक्निक से बनाई थी। न्यूक्लियस फ्रॉम द अडर सेल्स ऑफ शीप ऑफ फिन डॉसेट वैरायटी हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू इन्यूक्लिएटेड ओवम ऑफ स्कॉटिश शीप। तो अडर सेल से, अडर मतलब जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं शीप के, उसे अडर बोलते हैं। तो वहां से एक सेल निकाला गया, उसके न्यूक्लियस जो है, उसका न्यूक्लियस एक इन्यूक्लिएटेड ओवम में इंट्रोड्यूस करवाया गया स्कॉटिश शीप के। देन द ओवम वॉज अलाउड टू डेवलप इन द यूटेरस ऑफ स्कॉटिश शीप एंड देयर बाय द डॉली हैड बीन बॉर्न। तो उसके बाद वो जो जायगोट बना वो यूटेरस में डाला गया और उसके बाद डॉली का जन्म हुआ। इट वॉज शोइंग द कैरेक्टर्स एज पर क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस एंड एनी कैरेक्टर ऑफ स्कॉटिश शीप वॉज नॉट विजिबल। तो वो जो है क्रोमोसोम्स की तरह ही न्यूक्लियस में कैरेक्टर्स दिखा रहा था, ठीक है। अच्छा, एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, इट हैज बिकम पॉसिबल टू सॉल्व एनवायरमेंट रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना पॉसिबल हो चुका है। अच्छा, माइक्रोबियल टेक्निक्स आर ऑलरेडी इन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑन सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट। देखिए, ह्यूमन वेस्ट जो होता है और सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको कम करने में माइक्रोबियल टेक्निक्स की मदद ली जा रही है। सीवेज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, सीवेज जो होता है मतलब ह्यूमन वेस्ट जो होता है एक्सक्रीटा, वो ऑर्गेनिक मैटर में वेस्ट होता है। इफ सच सीवेज इज रिलीज इन नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, द ऑर्गेनिक मैटर इन इट गेट्स ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर वो सीवेज रिवर्स में डाला जाता है तो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसके किसकी मदद से, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो उसकी मदद से, उसके कारण पानी में, रिवर्स के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है, उनके लिए ऑक्सीजन बचता नहीं है। ड्यू टू दिस लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस एडवर्सली अफेक्टिंग द एक्वेटिक लाइफ, एज अ रेमेडी ऑन दिस सीवेज शुड बी रिलीज इन टू रिवर्स ओनली आफ्टर ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक। तो इसके लिए माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है उनका, और उसके बाद ही रिवर्स में सीवेज डाला जाता है। वन, माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑन लार्ज स्केल व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट बाय ट्रीटमेंट ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो होता है उस पर भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए माइक्रोब्स की मदद ली जा सकती है और उसको कंपोस्ट खाद बनवाया जा सकता है। खाद, बायो रिमेडिएशन, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो सेंसर्स एसेट्रा आर सम न्यू कॉन्सेप्ट्स इन बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स। तो ये कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, बायो रिमेडिएशन, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह। बायो रिमेडिएशन मीन्स आइदर एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से जो नेचुरल रिसोर्सेज है रिवर्स में वगैरह, उसमें अगर कोई टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह मिक्स हुए हैं तो उसको डिकम्पोज करवाया जाता है बायो रिमेडिएशन से। इफ प्लांट्स आर यूजफुल फॉर दिस पर्पज इट इज कॉल्ड फाइटो रिमेडिएशन। प्लांट्स की मदद से अगर ये करवाया जा रहा है तो उसे बोलते हैं फाइटो रिमेडिएशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायो रिमेडिएशन आर एज फॉलोज।
द सुडोमोनास बैक्टीरिया, पी साइलेंट है इसमें, द सुडोमोनास बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। अगर तेल, कच्चा तेल अगर गिरता है, क्रूड ऑयल, तो उसको साफ करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए सुडोमोनास बैक्टीरिया की मदद ली जाती है। अच्छा, द फर्न टेरिस वाइटाटा कैन एब्सॉर्ब द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल। आर्सेनिक को साफ करने के लिए, सॉइल से वो पॉइजनस होता है, उसको साफ करने के लिए टेरिस वाइटाटा नाम का फर्न, मतलब प्लांट है ये एक, उसकी मदद से साफ करवाया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड कैन एब्सॉर्ब सेलेनियम फ्रॉम सॉइल। तो इंडियन मस्टर्ड जो है वो सेलेनियम को एब्सॉर्ब कर सकता है सॉइल में से। सनफ्लावर कैन एब्सॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक। द बैक्टेरियम डेनोकोकस रेडियोड्यूरेंस इज हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। इट हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड यूज टू एब्सॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव डेब्रिस। अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, तो उसको एब्सॉर्ब करके उसकी रेडियो एक्टिविटी नष्ट करने के लिए या कम करने के लिए डेनोकोकस रेडियोड्यूरेंस नाम के बैक्टेरिया की मदद ली जाती है। ग्रासलेस लाइक अल्फा अल्फा, क्लोवर एंड राई आर यूजफुल फॉर फाइटोरिमेडिएशन। तो इन ग्रासेस की मदद से फाइटोरिमेडिएशन करवाया जाता है। अच्छा, फिफ्थ यूज, फूड बायोटेक्नोलॉजी। फूड आइटम्स लाइक ब्रेड, चीज, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो आपको पता है, फर्मेंटेशन वगैरह। दीज फूड आइटम्स आर प्रोबेबली द ओल्डेस्ट वन प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर है सिक्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स। जैसे हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, उसकी तरह फिर दुनिया में किसी के दूसरे के नहीं होते फिंगरप्रिंट्स। उसी तरीके से डीएनए सीक्वेंस, डीएनए में जीन का सीक्वेंस जो होता है, वो भी व्यक्ति में, एक व्यक्ति में यूनिक होता है, उसके जैसा किसी और में कभी नहीं होता। ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल डीएनए। तो इससे आइडेंटिफिकेशन करवाया जा सकता है, पहचान करवाई जा सकती है किसी भी व्यक्ति से। दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें कई सारे मतलब गुनहगारों का पता करवाया जा सकता है। ठीक है, इट इज मेनली यूजफुल इन फोरेंसिक साइंसेस। मतलब यही फोरेंसिक साइंस, मतलब जिसमें गुनहगारों का साइंस होता है उसे बोलते हैं। आइडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल कैन बी एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम। अगर उसका सलाइवा भी गिरता है या अगर उसका ब्लड भी गिरता है किसी इंसान का, क्रिमिनल का, किसी क्राइम साइट पर, तो वो कलेक्ट करवा के उसका डीएनए चेक करके, वो मैच करके फिर पता किया जा सकता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑफ फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी एस्टेब्लिश्ड। किसी भी व्यक्ति के फादर का, किसी भी बच्चे के फादर का, अगर कोई छोटा बच्चा मिला है तो उसके फादर का भी पता करवाया जा सकता है इसकी मदद से। दिस रिसर्च इज परफॉर्म्ड इन सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद। अच्छा, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशंस। इफ ऑयल स्पिलेज ऑकर्स, इट एडवर्सली अफेक्ट्स द मरीन लाइफ। नाउ क्लीनिंग द ओशन विदाउट एनी हार्म टू एनवायरमेंट इन चीपर वे हैज बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑयल डाइजेस्टिंग एंड फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। ऑयल खाकर वो डाइजेस्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया। इंडिया बॉर्न अमेरिकन सिटीजन एंड साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती हैड फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड द यूज ऑफ सच माइक्रोब्स। तो भारतीय मूल के अमेरिकन निवासी साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, उन्होंने पहली बार ये माइक्रोब्स का सुझाव दिया था। नेचुरली द क्रेडिट फॉर दिस डिस्कवरी गोज टू हिम। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, आगे का पार्ट अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का दबाना ना भूले। अगर आप मेरे बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक्स शेयर की है, तो प्लीज वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए।